Hey everyone, welcome back to my channel. This is Dr. Garima. If you are new here, subscribe to the channel. अगर आपने मेरे vlogs नहीं देखे हैं तो अभी जाके देखो और do follow me on Instagram and Telegram. Telegram पे मैं daily questions डालती हूँ, important points डालती हूँ और important videos डालती हूँ. So make sure you will join the group. So सुबह उठ चुकी हूँ, मैंने exercise कर ली है और उसके बाद मैं आई हूँ मम्मी की help करने. मैंने लगाया आटा. कोई आटा लगाना बोलते हैं, कोई आटा गूंदना बोलते हैं. पता नहीं मैंने आटा लगाना कहाँ से सीखा है. हम आटा गूंदना ही बोलते हैं कि आटा गूंदो या ऐसा कुछ. सो मैंने आटा गूंदा. उसके बाद मैंने किए एमसीक्यूज और मैं आज कर रही हूँ डर्मेटोलॉजी. डर्मा की एमसीक्यूज, डर्मा की वीडियोस और इमेजेस एंड एवरीथिंग. सो आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम द प्रिपेयरिंग नॉट या प्रिपेयरिंग फ्रॉम द यूट्यूब. सो डॉक्टर चेष्टा मैम इज़ द बेस्ट वन फॉर द डर्मेटोलॉजी. उसके बाद मैंने खाए फ्रूट्स हेयर वॉश करने के बाद. गाइस मेरी प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ सुबह. मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं आज 3 बजे उठूँगी, 4 बजे उठूँगी, 5 बजे उठूँगी, लेकिन मैं 6 बजे पहले नहीं उठ पाती. एक तो मुझे ठंड लगती है जो कि मेरा एक्सक्यूज़ है ना, एक्सक्यूज़ ही कहेंगे इसको जो नहीं पढ़ना चाहता. मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं एक्स्ट्रा वर्क करना चाहती हूँ, मैं 6 बजे से पहले उठना चाहती हूँ, लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो जाती हूँ. बट कल मैं फिर से कोशिश करूँगी, 4-5 बार अलार्म लगाऊंगी, 4-5 बार अलार्म लगाऊंगी. देखते हैं मैं उठ पाती हूँ नहीं उठ पाती हूँ. आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट व्लॉग कि मैं उठ पाई या ना हो पाई. मतलब व्लॉग स्टार्ट तो मैं कर ही दूँगी मॉर्निंग में, देखते हैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पर मैं कोशिश करूँगी कि हो जाए. वही पढ़ ले, क्या कमी है. ओके गाइस. और हाँ गाइस मैं बताना भूल गई कि आउट आउट ऑफ कह रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं ये. हाँ मैंने सोचा है कि मैं 75 डे चैलेंज करूँ, हार्ड डे चैलेंज. वो थोड़ा डिफरेंट होगा 75 हार्ड डे रूल्स से. वो मैं आपको बताऊँगी अपकमिंग वीडियोस में कि क्या होगा, क्या रूल्स होंगे और कैसे डिफरेंट होगा. ओके उसके बाद मैंने किया डिनर, कॉमेडी शो देखा और उसके बाद स्टैंड अप कॉमेडी के जो एपिसोड्स होते हैं वो देखे. उसके बाद फिर मैंने उसके साथ साथ मैंने खाया खाना. एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे. मैं सुबह उठ चुकी हूँ और मैं पानी पी रही हूँ क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हाइड्रेशन पानी हेल्प करता है आपको सीटिंग पावर मेंटेन करने में कि बैठे रहने में. उसके बाद मैंने किया मेडिटेशन. मैं 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करती हूँ, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है तो पता नहीं लगता है. और उसके बाद फिर मैंने किया अपना स्टडी सेशन स्टार्ट. Thank you.
Don't forget to subscribe the channel and thank you for watching this vlog. Take care. Bye bye.